नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे यदि आप जो है देसी मुर्गी पालन करते हैं या फिर सोनाली या फिर अलग अलग तरह की मुर्गी पालन आप करते हैं देसी में, जैसे तो आपके पास एक काफी बेहतरीन ऑप्शन हम लेकर के आए हैं। ये जो है इसकी ब्रीड को जो है सिल्की बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर चंदू भाई हमारे साथ हैं, तो ये जो है वह इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। अभी इन्होंने शुरुआती दौर पे था, तो इनको क्या क्या परेशानियां फेस करी, किस तरह से अलग है हमारी जो बाकी देसी मुर्गियां हैं उनसे, और इसका मार्केट किस तरह से आ रहा है उसके बारे में जानेंगे। भैया, सबसे पहले तो देखने में ही काफी अलग लग रहा है और बहुत हाँ प्यारा लग रहा है, तो इसको आपने कहाँ से लेकर के आया, इसकी फार्मिंग आपका आइडिया में कैसे आया, इसको आप उसके बारे में बताएंगे। इसका वीडियो ग्रुप में आया था भैया, और उसके बाद मैं सेलम से इसका चूजा मंगाया था, 50 चूजा मंगाया था। तो जी जैसे बढ़ते गया ना ये, तो अच्छा लगा आदमी लोग को, तो सब लेके चले गए। मेरे जी पास मैं 10 पीस अभी बचा के रखा हूँ, फिर भी इसको भी सब मांग रहे हैं। पर भी जी मैं क्या सैंपल के लिए रखा हूँ इसका, क्या आगे और बढ़ाने के लिए, जी जी क्या छत्तीसगढ़ में इसका मार्केटिंग नहीं है और इसे सब कोई जानते नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे रखा हूँ अभी 10 पीस के सैंपल के लिए। जी इसका नाम जो है वह सिल्की ही बोला जाता है। हाँ, सिल्की है और एक पॉलीकैप आता है, जी सो जी सिल्की और पॉलीकैप मिक्स आता है, इसमें दोनों ब्रीड मिक्स रहेगा। तो जैसे कि आपने बताया कि इसको आप लेकर के आए, फिर लोगों ने आपके उसमें फार्म में देखा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाला, उसमें देखा तो काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आई। तो अभी इसको जैसे कि आपने दिया होगा किसी फार्मर्स को, तो उसको आपको किस रेट में मिला और आपने किस रेट में फार्मर्स को सप्लाई किया? मैं इसका चूजा मंगाया था, 60 रुपये में चूजा मंगाया था, जी और जैसे किसान साथियों को 4-5 दिन रख के, 10 दिन रख के 80 रुपये में बेचा था इसका चूजा। और जी अभी के डेट में जैसे बढ़ते गया इसका नाम, जैसे पता चलते गया, तो इसका चूजा का रेट भी बढ़ गया है। जी तो पहले के मुकाबले इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जैसे पीस के हिसाब से लेते हैं तो 1000 रुपये 1200 रुपये जोड़ा में बिकता है। जी और जैसे कि बहुत से लोग इसको जो है वो पसंद से लेकर के जाएंगे, अगर कोई अपने घर में रखना चाहते हैं तो फैंसी के रूप में फैंसी इसको के अगर। रूप जी में अब इसमें जब हम जानना चाहेंगे, इसकी जो पालन है वह हमारी अन्य मुर्गियां हैं उनसे किस तरह से अलग है या फिर उसी के समान है? नहीं, इसका थोड़ा अलग रखना पड़ता है। जैसे नीचे में क्या भूसा डालते हैं, तो इसमें भी भूसा डालते हैं, पर वही है, थोड़ा बड़ा होने के बाद इसमें जाली लगाना पड़ता है। क्या इसमें इसके पैर में भी पूरा बाल रहता है, इसके पैर में भी बाल रहता है, तो क्या नीचे भूसा होने के कारण ना इसमें जल्दी बीमारी आ जाती है, तो इसको ना जाली लगा के रखना पड़ता है। और इसमें इसके चारे के बारे में बात करें, दाना क्या देते हैं इसमें जो हम? दाना तो वही नॉर्मल रूप से जो मुर्गी को देते हैं वही दाना ही देते हैं, जी दाना तो वही रहता सर। और इसमें किसी प्रकार की वैक्सीनेशंस के बारे में बात करें नहीं, जो जी इसमें तो मैं अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं लगा हूँ, जो मुर्गी में लगता है वही वैक्सीनेशन लगता है, बस नॉर्मल? नॉर्मल। जी, फिर बढ़ने वाला है क्योंकि ये दिखने में और काफी सुंदर है। ये कौन कौन से कलर में आता है उसके बारे में जानना ये चाहेंगे? रेड कलर में आता है, ब्लैक कलर में आते हैं, जी ज्यादातर तो व्हाइट कलर में ज्यादा आता है ये। व्हाइट कलर में। तो इसका हाँ, जो लुक है वो सामने से चोंच इसका काला रहता है हल्का काला सा, रहता है। और आंख में भी थोड़ा काला आ जाता है, जी अभी और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो कालापन बढ़ते जाएगा। कालापन बढ़ते जाएगा, और पैर में पूरा बाल रहेगा इसका, पूरा पैर में बाल रहेगा, बच्चा में भी ये अलग से पता चल जाएगा, इसके ऊपर में भी बाल रहेगा बच्चा में, और जी पूरा पैर में बाल रहेगा बच्चे में भी इसका अच्छा, चूजा को अपन जैसे पहचानना चूजा। चाहेंगे हाँ, तो चूजा जिस तरह से एक सिल्की बर्ड जो है वह नया हमारे छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट किया गया चंदू भाई के द्वारा, और ये जो है वह एक शौकिया तौर पे यदि आप करते हैं तो ये फार्मिंग जो है वह काफी अच्छी होने वाली है। यदि आप देसी मुर्गी का पालन कर ही रहे हैं तो साइड में इसको भी आप 50-100 रख लीजिए, उसके बाद फिर इसको यदि आप किसी को देते हैं तो वो शौकिया तौर पर इसको काफी अच्छे रेट में आपसे खरीद करके लेके जाएंगे, तो इस तरह से इसमें प्रॉफिट किया जा सकता है। यदि आप सोचेंगे कि इसमें कमर्शियली करना है तो कमर्शियली में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी मार्केटिंग किस तरह से होने वाली है उसका भी अभी किसी प्रकार का अंदाजा नहीं है, तो लोग इसको मीट के पर्पज में भी यूज नहीं करेंगे, तो इसका कमर्शियली करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यदि आप शौकिया तौर पर 50-100 करते हैं तो इसको लोग एक फैंसी के रूप में शौकिया तौर पर लेकर के जाएंगे, तो उससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा।